एक लंबे समय से लोग जानना चाहते हैं कि वर्क वीजा पे बाहर जाना है, काम करने के लिए कनाडा जाना है। अगर आप भी काम करने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वर्क वीजा क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। आज काम करने के लिए लोगों को बाहर जाना है, जिस वजह से बहुत ज्यादा बड़ी ठगी का शिकार होते हैं लोग। सबसे पहले आप साधारण मानुष हैं, आपको ये समझना है कि वर्क वीजा होता क्या है। हर एक कंट्री में काम करने का एक वीजा मिलता है, हर एक कंट्री में उसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग तरीके से लोग वर्क वीजा भेजते हैं। अगर डेवलप कंट्रीज की बात करें, कनाडा की बात करें, तो कनाडा में वर्क परमिट लेने के लिए आपको पढ़े लिखे होना जरूरी है। पूरी दुनिया आज पढ़े लिखे लोगों का स्वागत कर रही है। हमारे लोगों को लगता है कि जैसे हम यहाँ पे कारपेंटर, प्लम्बर और मिस्त्री का काम करते हैं, ऐसे ही दुनिया में काम चलते हैं। जी नहीं, आप गलत हैं। यहाँ पे आज पूरी दुनिया में जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग दिहाड़ी करते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। अगर आप भारत में इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक की कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आप भारत में ही नौकरी कर सकते हैं। अगर आपको विदेश में जाके काम करना है, तो आपके लिए उसकी पढ़ाई होनी जरूरी है। अच्छे से समझिए वर्क परमिट क्या होता है। वर्क परमिट काम करने का वीजा है। अगर आपको कनाडा में जाके टैक्सी भी चलानी है, तो उसके लिए भी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवा के टैक्सी चलानी होती है। हमारे यहाँ पे टैक्सी चलानी बहुत आसान होती है। कोई भी बंदा टैक्सी पे चढ़ जाता है, कोई भी बंदा ट्रक पे चढ़ जाता है। कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। अच्छे से समझाऊंगा आज आपको कि वर्क परमिट के झांसे से कैसे निकलना है आपने, और वर्क परमिट होता क्या है, ये किसको मिलता है। सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज वर्क परमिट। वर्क परमिट एक काम करने का वीजा है। हर एक कंट्री में इसके अलग अलग मायने होते हैं। यदि आप मिडल ईस्ट में काम करने के लिए जा रहे हैं, दुबई में, दोहा में, सऊदी अरेबिया में या बहरीन में, आप मिडल ईस्ट में काम करने जाते हैं, तो भारत की तरह ही वहां पे माहौल है। आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू बोलकर अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। आपका काम देखा जाता है। यदि आप मजदूरी कर पाते हैं, आपका शरीर ठीक होता है, आप भार उठा सकते हैं, तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट मिडल ईस्ट में कुछ अलग तरह का होता है, कनाडा में कुछ अलग तरह का होता है। कौन कौन वर्क परमिट पे कनाडा जा सकता है? यदि आप कारपेंटर हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, किसी भी तरह का कोई भी स्किल्ड लेबर का काम करते हैं, आप कनाडा जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए। यदि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर हैं, तो आप वर्क वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। समझिए थोड़ा सा, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं है। साधारण शब्दों में कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ सरकारी संस्था का सर्टिफिकेट जो ये प्रमाण करे कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं या आप मेसन हैं। दूसरा कागज क्या चाहिए? आपको अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी बोलनी आती हो। आप यूपी, बिहार में काम करने के लिए नहीं जा रहे कि आप हिंदी बोलना सीख लेंगे तो आप काम कर पाएंगे। आप कनाडा में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, आप कनाडा में काम करने के लिए जा रहे हो। जब काम करने के लिए जाना है, तो आपको अंग्रेजी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, तो
यहां पे हमारे लोग अक्सर हार जाते हैं। याद रखिए, अगर आपके आइल्स में 6 बैंड नहीं है तो आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी और आपको वर्क परमिट की एप्लीकेशन सक्सेस नहीं होगी। कनाडा में वर्क परमिट लेने के लिए अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आपकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं। और कौन लोग हैं जो कनाडा में वर्क परमिट पे जा सकते हैं? आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं किसी प्राइवेट अदारे में, आपने बैचलर डिग्री करी है, आपकी 40-50 हजार रुपया तनख्वाह है, आप किसी बैंक में इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आप किसी भी तरह का कोई जॉब करते हैं जिसमें आपके 40-50 हजार रुपया तनख्वाह है और आपको ये जॉब करते हुए 10-15-20 साल हो चुके हैं, यहां पे भी यही फार्मूला लगेगा कि आपके पास पढ़ाई लिखाई के कागज चाहिए और आपके पास अंग्रेजी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, आइल्स में 6 बैंड होने चाहिए, तो आपको वर्क वीजा मिलेगा। अगली कैटेगरी के लोग आते हैं अध्यापक। यदि आप टीचर हैं तो आप टीचर के तौर पे काम करने के लिए जा सकते हैं। अगेन, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपने कनाडा में अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ाना है जाके, आपके पास अंग्रेजी भाषा में 7 बैंड होने चाहिए यदि आप टीचर के तौर पे मूव हो रहे हो। आप एक नर्स हो, आप एक डॉक्टर हो, आपको इलाज वहां पे वहां के नागरिकों का करना है जिनको हिंदी पंजाबी बोलनी नहीं आती, इसलिए आपको अंग्रेजी में बहुत अच्छे बैंड स्कोर करने हैं तो ही आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। अगली कैटेगरी के लोग हैं जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं। आप भारत में खेतों में काम करते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल के खेती कर सकते हैं। जब आप कनाडा में जाते हैं खेती करने, हो सकता है कि जो आपका मालिक हो वो चाइनीज हो, कोरियन हो, कोई रशियन हो या कोई यूरोपियन हो, उसको आपको कुछ भी समझाना अंग्रेजी में समझाना होगा। अगेन, अगर खेतीबाड़ी के तौर पे भी काम करना जाना चाहते हैं खेतों में, तो भी आपके 5-5.5 बैंड इंग्लिश होने चाहिए और आपके पास फार्मर का प्रूफ होना चाहिए, आपने कोई फार्मिंग की पढ़ाई करी हो। याद रखिए, अगर आपके पास ऐसे दस्तावेज होंगे, ऐसे सर्टिफिकेट होंगे, तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। आप सारा दिन हमें कॉल करते हैं, हम सिर्फ उन लोगों को भेज सकते हैं जिनके पास कागज है। अगले कैटेगरी पे आता हूं, वो लोग जो बिजनेस करते हैं। आपकी खुद की दुकान है, फैक्ट्री है, आपके पास पैसे हैं, आप कारोबार करते हो पिछले 5 साल से, आप बिजनेस माइग्रेशन ले सकते हो। आप कनाडा में काम करने का वीजा ले सकते हो कि मुझे अपना बिजनेस करने के लिए कनाडा में जाना है। अगेन, ऐसी स्थितियों में करोड़ों रुपया चाहिए होता है और हमारे पास पैसे नहीं होते। हमने उड़ता उड़ता सुना होता है कि हाँ, कनाडा में काम करने का वीजा मिल रहा है 20-25 लाख में, तो हम भी अप्लाई कर देते हैं। यदि आपको वर्क परमिट लेना है तो पढ़े लिखे हो आप और आपके पास अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, ये 2 क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको चाहिए, जिसके बेस पे आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आते हैं कि वर्क परमिट क्या होता है। मैं आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के साथ देखिए, यहां पे canada.ca की वेबसाइट हमने खोल रखी है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा का लोगो लगा हुआ है। यहां पे हम इंग्लिश को क्लिक करेंगे, जब इंग्लिश को क्लिक करेंगे यहां पे जॉब्स लिखा हुआ है। जो भी लोग अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, जिनके पास प्रॉपर डिग्री है, आप कोई भी काम करते हैं, आपको वर्क परमिट लेने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है, फ्री में वर्क परमिट मिलता है। आप canada.ca पे गए, आपने जॉब्स को क्लिक कर लिया, अब जॉब बैंक खुल गया। यहां पे फाइंड ए जॉब में जाएंगे, हम फाइंड ए जॉब में जाते हैं तो जॉब बैंक को हमें क्लिक करना है। यहां पे आपको कनाडा में कितनी प्रकार की नौकरियां आज की डेट में अवेलेबल है, सारा का सारा डाटा दिखा दिया हुआ है कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा। अगर अभी की बात करें तो अगर हम इस साइट को खोल रहे हैं तो यहां पे
गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का लोगो नजर आ रहा है, फाइंड ए जॉब लिखा हुआ है। आपको कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी कैटेगरी है, आप यहां पे लिखिए। जैसे व्हाट, व्हाट में पूछ रहे हैं कि कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, हम लोग यहां पे भर लेते हैं आपको कुक की नौकरी करनी है, खाना बनाने की, आप रसोइये का काम करते हैं। तो अगर हम कुक को यहां पे एंटर करते हैं तो हमें कैनेडियन जॉब बैंक कुक से रिलेटेड सारी नौकरियां दिखाएगा कि कनाडा में कहां कहां पे कुक की नौकरियां हैं। जैसे ही हमने सर्च करा, यहां पे 6,868 नौकरियां अवेलेबल हैं, जिसमें कुक की आप पहली नौकरी देखिए, ये कुक एंड बूचर कंपनी के अंदर नौकरी है, ब्रिटिश कोलंबिया में ये जॉब है, $20 एक घंटे के आपको मिलेंगे। याद रखिए, इस साइट पे जाके अगर आपको जॉब ढूंढनी है, अंग्रेजी भाषा की नॉलेज हो, जो काम आप करते हैं उसके आपके पास सर्टिफिकेट हो। जैसे यदि आप कुक हैं तो आप कुक की नौकरी यहां से ढूंढेंगे और अपने एम्प्लॉयर को अप्लाई करेंगे, जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, एम्प्लॉयर आपकी इंटरव्यू लेगा और उसके बाद आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको एक वीजा के लिए डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिसको LMI कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि वर्क परमिट अप्लाई कैसे होता है। हमने बटन दबाया है गेट ए वर्क परमिट। जब हम गेट ए वर्क परमिट पे आते हैं तो यहां पे कई तरह के वर्क परमिट हैं। हमें टेम्पररी वर्कर में जाना है क्योंकि हम परमानेंट तौर पे वर्कर नहीं जा रहे। जब हम टेम्पररी वर्क परमिट पे जाते हैं तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर ए वर्क परमिट। अप्लाई वर्क परमिट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे सरकार द्वारा दिया गया सारा का सारा ब्यौरा है अबाउट द प्रोसेस। वो कह रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, दो तरह के वर्क परमिट होते हैं। एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है, यदि आपको काम करने के लिए जाना है तो कनाडा में आपको जॉब बैंक पे जाके नौकरी अप्लाई करनी है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको पसंद कर लेता है, वो आपको LMI देता है, तो इस साइट पे आके $155 खर्च के आप अपना वर्क परमिट डाल सकते हैं। दूसरी तरह का वर्क परमिट होता है जिसको LMI एग्जम्प्टेड वर्क परमिट कहा जाता है, जिसको ओपन वर्क परमिट भी कहा जाता है। अभी यहां तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कनाडा में अप्लाई कोई भी कर सकता है, पहली बात आपके पास सर्टिफिकेट हो, पढ़ाई लिखाई करी हो आपने उस फील्ड में, दूसरा आपके पास इंग्लिश में IELTS में 6 बैंड हो। अगर आप अप्लाई करते हैं $155 से 3 महीने में आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। दूसरा यहां पे दिया गया हु कैन अप्लाई। जैसे हम हु कैन अप्लाई पे जाते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आती है फॉर एन एप्लीकेंट। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मांगती है कैनेडियन एम्बेसी आपसे वर्क परमिट के लिए? सबसे पहले वो कहते हैं कि प्रूव टू एन ऑफिसर दैट यू विल लीव कैनेडा व्हेन योर वर्क परमिट एक्सपायर। आपको कागज देने हैं जिन कागजों से ऑफिसर को लगे कि जब वर्क परमिट खत्म होगा तो आप वापस जाएंगे। सो दैट यू हैव एनफ मनी टू मेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर। आपके पास बैंक के अंदर 8-10 लाख रुपया पड़ा हो, जिससे ये प्रमाण हो जाए कि आप अपना और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। अगली रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जहां पे आपकी PCC मांगी जाती है। उसके बाद मांगी गई है कि आपकी गुड हेल्थ हो, आपका मेडिकल एग्जाम क्लियर हो, आपको कोई बीमारी ना हो। ये 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा जब आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है। यदि आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं, बार बार मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्क परमिट एम्प्लॉयर स्पेसिफिक जो है, उसमें आपको नौकरी चाहिए होती है कैनेडियन एम्प्लॉयर से। अब क्या गोलमाल चल रहा है कनाडा में, आइए देखते हैं। कनाडा में जो वर्क परमिट की LMI लेटर है उसको बेचा जाता है।
अक्सर जो लोग कनाडा में विजिटर वीजा पे पहुंच जाते हैं वो वहां जाके जुगाड़ करके 25 से 30 लाख रुपया देके एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट की लेटर लेते हैं जिसको LMI कहा जाता है, उसके बाद वर्क वीजा अप्लाई किया जाता है। मिनिमम वेज रेट तय होती है और उसके बाद आप वहां पे काम करते हैं। ये वर्क परमिट एक तरह का रास्ता होता है PR लेने के लिए। सो जो भी लोग विजिटर वीजा अक्सर लेके कनाडा जाते हैं वो वहां जाके LMI लेके अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करा लेते हैं। क्यों ये वीजा भारत से नहीं लगता, क्यों वहां से जाके लगता है? आपको भी पता है कि जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक सौदा होता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कि हम आपसे 25 लाख 50 लाख रुपए लेंगे, हम आपको वर्क परमिट देंगे। ये गोलमाल वहां पे चल रहा है। सोचिए 25 से 30 लाख रुपया वहां के लोग लेते हैं आपको नौकरी देने के लिए। आप अगर भारत में सोच रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपको वहां पे कोई रख लेगा फ्री में, तो भैया फ्री में कोई भी बंदा नौकरी देने वाला नहीं है। ये मामला 25 से 50 लाख रुपए से शुरू होता है। इसको आप रिश्वत बोल सकते हो, इसको नौकरी बेचना बोल सकते हो, इसको लॉयर की फीस भी बोल सकते हो, इसको प्रोफेशनल फीस बोल सकते हो, इसको साधारण भाषा में जुगाड़ भी बोल सकते हैं। यदि आप कनाडा में ऐसा कोई जुगाड़ किसी के साथ कर लेते हैं तो 25-50 लाख रुपया वो आदमी आपसे लेता है और आपको अपनी कंपनी में कागजों में नौकरी दे देता है। उन्हीं कागजों के बेस पे आपको PR भी मिल जाती है। तो भाइयों, अगर आप यहां भारत में बैठ के सोचते हो कि आप फ्री में कनाडा में काम करने चले जाओगे, तो इसको अपने दिमाग से एक बार निकाल दो, क्योंकि वहां आपके एम्प्लॉयर इस वर्क परमिट की लेटर को बेचते हैं। इसको एजेंटों के द्वारा, वकीलों के द्वारा और बहुत डिफरेंट डिफरेंट ढंग से बेचा जाता है। कोई इसको प्रोफेशनल फीस कह के पैसे लेता है, कोई इसको लॉयर के फीस कह के लेता है। तो अगर आपके पास 25-50 लाख रुपया है तो कोई चांस है कि आपको ऐसा कोई जुगाड़ मिल जाए। और इस जुगाड़ में भी आप हेरा फेरी कर रहे हैं, दो नंबर के तरीके से वर्क परमिट ले रहे हैं। कल को अगर आप पकड़े गए तो आपको भारत वापस आना पड़ेगा और आपके द्वारा दी गई रकम भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये है वर्क परमिट का मामला, जहां पे सौदा होगा 25 से 50 लाख रुपए का और आप कनाडा में PR तक पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, जिसको कहते हैं ओपन वर्क परमिट। आइए बात करते हैं ओपन वर्क परमिट क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है। ओपन वर्क परमिट के लिए आपको LMI नहीं चाहिए होता। यदि हम कैनेडियन गवर्नमेंट की अभी साइट पे चले तो पहला वर्क परमिट था एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट और दूसरा वर्क परमिट है ओपन वर्क परमिट। किस किस को ओपन वर्क परमिट मिलता है, आइए अभी चेक करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है Who can apply for an open work permit? Open work permit क्या होता है? Open work permit पे आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये ईमानदारी वाला तरीका है। Open work permit किसको मिलता है? If you are an international student who graduated from designated learning institute, then you are eligible for postgraduate work permit. ओपन वर्क परमिट में सबसे पहला ओपन वर्क परमिट होता है यदि आपने कनाडा से एक साल की पढ़ाई खत्म करी है, तो वहां पे एक साल का वर्क परमिट मिलता है गवर्नमेंट द्वारा। यदि आपने दो साल की पढ़ाई खत्म करी है तो तीन साल का वर्क परमिट दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। अगली कैटेगरी होती है कि आप डिपेंडेंट हैं किसी परमानेंट रेजिडेंट के। मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं, आपने शादी करा ली किसी कनेडियन PR होल्डर के साथ, तो आपकी एप्लीकेशन ओपन वर्क परमिट की लगती है। यह भी थोड़ा सा टेढ़ा काम है। उसके बाद है इफ यू आर द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ एन एप्लीकेंट ऑफ अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। यदि आप अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में आपको वीजा मिला है, आप उसके पति या पत्नी है, तो भी आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है। इसके बाद वर्क परमिट मिलता है
जो लोग जिनके फैमिली मेंबर कनाडा में स्किल्ड वर्कर हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यू आर एलिजिबल फॉर ओपन वर्क परमिट इफ यू आर द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ ए स्किल्ड वर्कर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आपके पति पत्नी दोनों में से एक जन के पास वर्क परमिट है या एक जन के पास इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीजा है तो दूसरे जन को ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। अब समझिए मामला सारा। हम एक स्टूडेंट वीजा एजेंट है, हमने आपका दाखिला कराना है पढ़ाई के लिए, आप पढ़ने के लिए जाएंगे, आप पति पत्नी दोनों में से एक जन को ओपन वर्क परमिट मिलेगा और ये ओपन वर्क परमिट फ्री में मिलेगा। अगर तो आप अकेले हैं तो आपको आइल्स करके वर्क परमिट ढूंढना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सबसे आसान काम होता है आप स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टडी वीजा में फुल टाइम काम करने की परमिशन आज दी हुई है गवर्नमेंट ने, कोई भी बच्चा, आप कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कामगार अगर कनाडा में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको पढ़ाई के साथ पूरा समय काम करने का अधिकार होता है। आपने हमें कॉल करा, आपने हमारे वीडियो देखे कि आपको काम करने जाना है, तो भैया काम करने का पहले तो 50 लाख रुपए वाला जुगाड़ है, दूसरा काम करने के लिए तुम्हारे पास डिग्रियां होनी चाहिए, तुम अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हो। अगर तुम्हारे पास ये कुछ नहीं है तो तुम कनाडा में पढ़ने के लिए जा सकते हो। कम पैसों पे जाना चाहते हैं, पढ़ाई की फीस 12-15 लाख रुपए होती है और ये पैसे आपको वीजा के बाद देने होते हैं। 3-1 महीने लगते हैं, आप स्टडी वीजा पे कनाडा चले जाते हैं। इसके लिए भी आपको आयल्स करना पड़ता है। यदि आप 6-1 बैंड ले सकते हैं आयल्स में, चाहे एकेडमिक कर सकते हैं, चाहे जीटी कर सकते हैं, और आपने 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करी हुई है तो आपका सपना साकार हो सकता है। आप घर से निकले थे कि हमें काम करने जाना है, आज पूरी दुनिया में स्टूडेंट को काम करना अलाउड है, फुल टाइम काम कर सकते हैं आप यदि कनाडा में पढ़ाई का वीजा लेके जाते हैं। ये स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे ओपन वर्क परमिट मिलता है। ओपन वर्क परमिट पे आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाके अच्छे से रिसर्च करिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। यदि 25-50 लाख रुपया किसी एजेंट को देके आप 2 नंबर के जुगाड़ से कनाडा जाते हैं तो भी वापस आ जाएंगे। यदि स्टडी वीजा लेके ईमानदारी से जाते हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको निकाल नहीं सकती वहां से। एक नंबर में अप्लाई करिए, बिना किसी नकली डॉक्यूमेंट के अप्लाई करिए। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है कि वर्क परमिट क्या होता है। ये कनाडा का वर्क परमिट फ्रॉड होता है, इससे बचिएगा। अगर आपको लगता है कि आप वाकई जेन्युइन आदमी हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, आपकी बहुत जरूरत है कनाडा को, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, जॉब बैंक में जाके अपने लिए जॉब ढूंढिए और वहां पे जॉब अप्लाई करिए। अगर आप जेन्युइन होंगे तो आपको LMI मिलेगा, तो आप फ्री में कनाडा जा सकते हैं, जिसके चांस बहुत कम है। आप शादी कर सकते हैं किसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ, आपको पत्नी के साथ ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, जो आपकी ख्वाहिश है कनाडा में जाके काम करने की वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चाहते हैं कि बीवी के साथ जाना है, बच्चों को साथ लेके जाना है, पढ़ाई छोड़े हुए 10-12 साल हो गए, समझिए ये कारोबार है कैनेडियन गवर्नमेंट का। आज उनको जिन लोगों की जरूरत है, कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाइए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। और हमारे से चाहते हैं, हम आपको पैसे वीजा के बाद लेंगे, आपको स्टडी वीजा पे भेज सकते हैं। वर्क परमिट अगर आपको लेना ही है तो आप LMI रेंज कर लीजिए, हम 50,000 रुपया लेंगे आपसे, आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन जरूर दे देंगे। चाहते हैं वर्क परमिट अप्लाई करना तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि पहले $20,000 वहां देने पड़ते हैं। यदि आपका वीजा नहीं लगा तो 20-25 हजार डॉलर वापस मिलने वाले नहीं है। इस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है कि वर्क परमिट क्या होता है। बचिए इस झांसे से, स्टडी वीजा से अच्छा कोई वीजा नहीं है। चाहते हैं अप्लाई करना, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझे चंडीगढ़ आके मिलिए। आप कुछ साकार करने की,
आपके सपने साकार करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। एक लंबे